हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट मानिक एंड लाया हूं एक नई वीडियो इस चैनल पर। तो आज जो डिवाइस मेरे पास है वो काफ़ी पॉपुलर है इस वक्त, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। एंड मैं हमेशा से सैमसंग फ्लैगशिप ट्राई करना चाहता था, इसलिए मैंने डिवाइस परचेज करा इस अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल में ऑलमोस्ट 34,000 के आसपास। एंड इसका यूजुअल प्राइस अराउंड 40,000 के आसपास है, तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप है एक सैमसंग फ्लैगशिप के लिए, स्पेशली इंडिया में जहाँ पर हमें सिर्फ एक्सेनोस लाइनअप वाले फ़ोन ही मिलते हैं सारे, और हम सभी जानते हैं कि कितनी बुरी तरह वो एज करते हैं ओवर द टाइम। तो इसलिए मैं देखना चाहता था कि ये स्नैपड्रैगन पावर्ड सैमसंग डिवाइस कैसे परफॉर्म करता है अब 2021 में, एंड ये वर्थ इट है भी या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले उस सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर टैप कर दीजिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर भी, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लाऊं आपको पता ज़रूर लग जाए। तो चलिए अब इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे पहले हमें सैमसंग की यूजुअल पैकेजिंग मिलती है यहाँ पर, और MRP बॉक्स पर है जो कि है 75,000, जो कि काफ़ी रिडिक्यूलस है, बट व्हाटएवर। चलिए जल्दी से बॉक्स खोलते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है डिवाइस और कुछ पेपर वर्क जो कि टॉप लिड के ऊपर छिपा हुआ है। साथ ही हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, एंड इस यहाँ पर हमें कोई केस या स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को नहीं मिलता है, जो कि थोड़ा वियर्ड है क्योंकि अब सभी डिवाइसेस के साथ एक ज़रूर मिलता है हमें डिवाइस। इसके सिवा हमें मिलता है एक 15 वॉट का USB टाइप ए अडाप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन ये डिवाइस 25 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग ज़रूर सपोर्ट करता है। एंड मैं अपना कोई USB PD वाला पावर अडाप्टर यूज़ करूँगा और एक लिंक भी ड्रॉप कर दूँगा अगर आपको 25 वॉट का चार्जर चाहिए हो तो। इसके सिवा हमें मिलती है USB Type-A to C केबल, एंड जो एक्सेसरीज़ है वो ओकेश क्वालिटी की हैं, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन आपका काम ज़रूर हो जाएगा कुछ सालों के लिए इससे। तो चलिए अब डिवाइस पर वापस आते हुए, एंड सबसे पहले जो कलर मैंने लिया था यहाँ पर जो है क्लाउड नेवी, एंड ये डिवाइस कुछ इस तरह दिखता है। बाकी इन हैंड फील इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड वेट बैलेंस भी काफ़ी सही से किया हुआ है इस डिवाइस का, क्योंकि इस डिवाइस में हमें एक 4500 mAh की बैटरी मिलती है, ये उतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। बाकी डिवाइस की इन हैंड फील काफ़ी सॉलिड ही है, लेकिन जो बैक मिलती है वो हमें प्लास्टिक की मिलती है मैट फिनिश के साथ, तो ये उतनी ज़्यादा चीप तो नहीं लगती है, एंड हाथ से स्लिप भी नहीं होती है ऐसे तो, लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स है वो उस पर काफ़ी जल्दी दिखते हैं। बाकी हमें यह एक मेटालिक फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि फ़ोन का बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर स्ट्रांग रहेगा उससे। चलिए अब जल्दी से डिवाइस को ऑन करते हैं और सेटअप प्रोसेस देखते हैं, और इसी दौरान चलिए सबसे पहले स्पेक्स देख लेते हैं। तो इस गैलेक्सी S20 FE 5G में हमें 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120Hz पर रन करता है। इसी के साथ हमें इसमें स्नैपड्रैगन 865 SoC देखने को मिलती है 8GB ऑफ रैम के साथ, और साथ में 128GB ऑफ स्टोरेज। दो आपको इस डिवाइस में एक हाइब्रिड स्लॉट भी देखने को मिलेगा, तो आप अपनी स्टोरेज भी एक्सपैंड कर सकते हैं SD कार्ड से। इसी के साथ हमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी और साथ ही स्टीरियो स्पीकर्स भी विद डॉल्बी एटमोस सपोर्ट। कैमरा पार्ट की बात करें तो हमें इसमें मिलता है 32MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और बैक साइड पर हमें मिलता है 12MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड और 8MP का टेलीफोटो कैमरा। तो जो कैमरा सेटअप है यहाँ पर वो काफ़ी वर्सेटाइल है, एकदम ख़राब सा नहीं है। और लास्टली हमें मिलती है IP68 की डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन इस डिवाइस के साथ, जो कि काफ़ी रेयर है इस प्राइस सेगमेंट पर और एक अच्छी चीज़ है इसका होना। चलिए अब हम सेटअप स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, और सैमसंग जो है वो काफ़ी नोटोरियस है इधर उधर एड्स डालने में अपने UI में, क्योंकि इस सिम को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो चलिए जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही करिए, ताकि आप सारी ये फालतू की एड्स और फालतू का ब्लोटवेयर अवॉइड कर सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करिए सिर्फ, एंड इसके सिवा कुछ और सेलेक्ट मत करिए। इसके बाद आगे बढ़िए नॉर्मली, एंड ये आपको सैमसंग अकाउंट में साइन इन करने को बोलेगा, तो उसको भी स्किप करिए। और लास्ट में आपको एक कुछ ऐप्स पूछेगा जो कि आपको इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल इसको अनटिक करूँगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। बाकी हमें ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को तो नहीं मिलता है इस डिवाइस में, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी ऐप्स अनइंस्टॉल हो सकती हैं बड़े आराम से, लेकिन ये सेटअप अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता। तो जैसे ही आप सेटअप कर लेंगे आपको एक पॉपअप मिलेगा नोटिफिकेशन ड्रॉअर में, उस पर क्लिक करिए एंड डिवाइस आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी ऐप्स इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी अनवांटेड ऐप्स देखने को मिलती हैं, तो आप सबको डीसेलेक्ट कर दीजिए, और अगर आपको इनमें से 2-3 ऐप्स चाहिए तो आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ भी इंस्टॉल कर लिया तो बाद में आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आपको UI में एक्सेप्ट TNCs या कुछ मार्केटिंग का दिखे तो उसको कैंसिल या फिर नो कर दीजिएगा, या फिर सेटिंग्स में जाकर डिसेबल कर दीजिए। एंड ये सब करने के बाद आपको बेयर मिनिमम एड्स और इशूज़ देखने को मिलेंगे अपने डिवाइस के साथ। बाकी मैंने अब तक कुछ ऐसी एड्स देखी नहीं है UI में, एंड वेदर ऐप में से भी सैमसंग ने अब एड्स निकाल दी हैं, तो ओवरऑल UI ठीक ही लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डिस्प्ले की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और विविड है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं इस डिवाइस पर, और जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होता है ओवरऑल स्क्रोलिंग में। तो हाँ, मुझे डिस्प्ले काफ़ी पसंद है, ये काफ़ी अच्छा पैनल है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है इसके साथ। अब सेल्फी कैमरा पर देखें तो यहाँ पर एक रिंग मिलती है हमें सिल्वर सी, जो कि थोड़ा अच्छी नहीं लगती, बट जो पंच होल है वो काफ़ी छोटा है एंड कभी बॉदर नहीं करेगा आपको थोड़े से टाइम के बाद। तो अब सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करते हुए, एंड ये डिवाइस रन करता है वन यूएस 3.1 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पर आउट ऑफ द बॉक्स, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर बिल्ट है। लेकिन ये यूआई बिल्कुल भी क्लोज टू स्टॉक नहीं है, तो सैमसंग काफ़ी अच्छा हो गया अपडेट के साथ ओवर द टाइम। एंड ये डिवाइस जो है वो सेप्टेम्बर पैच पर रन कर रहा है, तो लेटेस्ट पैच है अभी भी इस डिवाइस में, और इसी के साथ हमें इस डिवाइस में दो मेजर अपडेट ज़रूर देखने को मिलेंगे अभी, एंड्रॉयड 12 और 13 का, और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी बचे हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर एक चीज़ सैमसंग यहाँ पे मेंशन नहीं करता है, तो यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे एंड्रॉयड 11 के अपडेट के बाद, एंड ये एक्चुअली एक सेटिंग की वजह से है जो कि आपको डिवाइस सेटिंग्स में मिल जाएगी, तो आप चाहें तो उसको ऑन कर लें वरना आपका बेंचमार्क स्कोर्स इतना ख़राब ही रहेगा। एंड एंड्रॉयड 10 की बात करूँ तो इसमें 800-850 स्कोर होता था सिंगल कोर में और 3000 था मल्टी कोर में, जो कि अभी भी ऐसा ही है लेकिन सिंगल कोर स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ये सैमसंग ने जो सेटिंग इंट्रोड्यूस करी उसी की वजह से है, और आपका स्कोर 50% तक ड्रॉप हो जाएगा बैटरी सेव करने के लिए। तो देखते हैं कि सैमसंग ओवर द टाइम इसको और इम्प्रूव करता है या क्या करता है, बाकी मैं इस पर ज़रूर ध्यान रखूँगा। दैट सेड ओवरऑल जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है एंड मुझे कोई भी हिकअप्स अभी तक देखने को नहीं मिले। बाकी मैं इसका फुल रिव्यू जल्द ही करूँगा, तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर मैं वन यूआई की जनरली बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, और इस डिवाइस में आपको सैमसंग पे और सैमसंग डेक्स भी मिलता है, जिससे कि आप एकदम डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपने टीवी या फिर पीसी के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे से रन करता है। अब मैं कैमरा की बात करूँ तो इस डिवाइस में सभी प्रैक्टिकल सेंसर्स हैं और कोई भी गिमिक्स नहीं है, एंड ये रहे कुछ सैम्पल्स आपकी स्क्रीन पर। तो मैंने इस डिवाइस में 30x वाला जूम फंक्शनैलिटी भी ट्राई करा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, एंड मैं इसको क्रीप मोड बोलूँगा। तो ये डिवाइस का कैमरा काफ़ी सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बाकी मैं इसको और टेस्ट करूँगा, ना भी काफ़ी जल्दी है कुछ भी कंक्लूड करने के लिए। सिमिलर केस है फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी इमेजेस क्लिक करता है डेलाइट में, एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी मुझे कुछ ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। इमेजेस में डिटेल काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, एंड ओवरऑल कैमरा अच्छा ही है फ्रंट फेसिंग भी। बाकी अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो वो कैप्ड है 4K 60fps में, जो कि हमें काफ़ी कम डिवाइसेस में देखने को मिलती है इस प्राइस पर। और इन सब चीज़ों के सिवा बाकी जो हमें रैम इस डिवाइस में देखने को मिलती है वो है LPDDR5, जो कि लेटेस्ट है, लेकिन UFS स्टैंडर्ड जो है वो 3.0 है। इसी के साथ हमें इसमें मिलती है रिवर्स पावर शेयर, जिसकी मदद से आप अपने सैमसंग बड्स और अदर वायरलेस ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही हमें मिलती है 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और एक अच्छी चीज़ है इस प्राइस पॉइंट पर। एंड बाकी हमें इसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि फास्टेस्ट तो नहीं है लेकिन बिल्कुल स्लो भी नहीं है। ये हर बार डिवाइस को सही से अनलॉक कर देता है बिना एरर के, एंड मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। तो गाइज़, ये थे मेरे इनिशियल इंप्रेशंस गैलेक्सी S20 FE 5G के साथ, एंड जो लो गीगवेंच स्कोर है उसके सिवा मुझे कुछ ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिला इस डिवाइस पर। तो ये जो 34,000 के प्राइस पॉइंट पर आपको डिवाइस देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5G के 9 बैंड्स मिलते हैं, 2 साल के अभी OS अपडेट्स बचे हैं, और जो फ्लैगशिपी हार्डवेयर है वो आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन SoC के साथ, तो ये सब आपको पैक्ड मिलता है एक सैमसंग ब्रांडेड डिवाइस में। एंड मुझे लगता है अभी भी काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, तो मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ इस प्राइस पॉइंट पर, अगर आप ज़्यादा गेमिंग में नहीं है तो। बाकी ओवरऑल अभी तक तो ये स्मूथ डिवाइस ही लगा मुझे, और काफ़ी यूजेबल है अगले 2-3 साल के लिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं फुल रिव्यू में कि ये डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस लाइक बटन पर ज़रूर टैप करिए, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं नए वीडियोज़ लाता रहूँ उस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।